के रीवामां दामाद के पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होला है। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष के द्वारा दामाद की जम के पिटाई की गए। पिटाई काउंसलिंग के दौरान भाई विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सबरचरण का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि अरीवा मां ससुराल वालन के द्वारा वन स्टॉप सेंटर के भीतर दामाद के साथ मारपीट की गए। काउंसलिंग के दौरान द्विपक्ष में जम के मारपीट में पुलिस के द्वारा बीच बचाव कही के दोनों पक्ष का शांत करवा गया। मारपीट की घटना कैमरा में कैद में वीडियो मंगलवार का सामने आवा। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर के बताई जाती। वन स्टॉप सेंटर में मारपीट की घटना की शिकायत करे खातिर फरियादी बिछिया थाना पहुंचे रहे, जहां दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए के मामला दर्ज करवाए के मांग की गए। पुलिस के मुताबिक रायपुर कलचुरियान थाना क्षेत्र के निवासी शिवेन्द्र साकेत और पत्नी पिंकी साकेत के बीच आपसी विवाद और घरेलू कलह चलत रही। काउंसलिंग के खातिर दोनों जन इनका वन स्टॉप सेंटर बुलावा गया रहा, जहां दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बाद में पुलिस के द्वारा समझाया था कि मामला शांत करवावा गया। पिंकी साकेत के सास के द्वारा बतावा गया कि बहू के माँ और मायके वालन के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में बेटा के साथ मारपीट की गए। बीच बचाव करे के खातिर जब वो पहुंची तो नूह के साथ मारपीट की गए। पूरी घटना के बाद वन स्टॉप सेंटर में हंगामा की स्थिति निर्मित हुई गई, जिसके बाद वन स्टॉप सेंटर के भीतर मारपीट के विरोध में बहू के मायके पक्ष के खिलाफ शिकायत लेके थाने पहुंचे। मारपीट के वजह से बेटा शिवेंद्र का कमर गर्दन और जांघ में चोट पहुंची है। सास के मुताबिक बहू पिंकी साकेत पिछले महीना घर से जेवर और गहने के साथ रात में बिना बताए मायके चली गई और यहीं से मामला की शुरुआत है। पिंकी साकेत के मुताबिक झगड़ा की शुरुआत शिवेंद्र और उनके घर वालों के द्वारा की गए। शिवेंद्र और ससुराल वाले आए दिन झगड़ा करा था और अभद्रता करा था। पिंकी के मुताबिक मायके वालों का अपशब्द कहा था और यही वजह से यह स्थिति निर्मित है। देखिए वायरल वीडियो, सजग रही सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत पड़ा वन स्टॉप सेंटर एक काउंसलिंग सेंटर है जिसमें परिजनों को परिवार को समझाइश देने की कोशिश की जाती है। वो संभवतः मतलब वो परिवार वही है जिनके बीच कुछ ना कुछ विवाद चल ही रहा होता है, तो निश्चित रूप से शायद संभवतः कुछ उसी विवाद वहाँ पे हो गया है और जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, और जिसमें जो भी उसमें कानून सम्मत कार्रवाई होती वो की जा रही है और आगे भी इसमें की जाएगी। सभी से अपील है कि ये यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर है या जो भी काउंसलिंग है वो विवाद सुलझाने के लिए आपको बुलाया जाता है, और वहाँ पे विवाद करेंगे तो यानी कि इससे ये समझ में आता है कि आप विवाद को सुलझाना नहीं चाहते, विवाद को बढ़ाना चाहते हैं, फिर कानून को अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उसमें। काप ना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा